नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और आजकल एक बढ़िया सी खबर चल रही है दोस्तों कि जो नेपाल है वो कह रहा है कि हम अपने गोरखास को दूसरे देशों में भर्ती नहीं होने देंगे। तो इस खबर के चलते और एक दूसरी खबर ये चल रही है पिछले कई महीनों से कि भी भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद चल रहा है, तो कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि जब भारत नेपाल सीमा विवाद हुआ इसलिए नेपाल चाहता है कि हम अपने सैनिकों को दूसरे देशों में भर्ती नहीं होने देंगे, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। तो क्या है सच्चाई ये मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो दोस्तों पिछले कई दिनों में 3-4 स्टेटमेंट आ चुके हैं जिसमें ये कहा गया है कि हम अपने गोरखा सैनिकों को ना तो भारत में शामिल करेंगे, ना ब्रिटेन में भर्ती होने देंगे, ना किसी और देश में फॉरेन कंट्री में भर्ती होने देंगे। तो इसका असली रीज़न ये नहीं है कि भारत और नेपाल सीमा विवाद, जबकि इसका असली रीजन ये है कि गोरखा जो सैनिक हैं उनको जब भर्ती करवाने के लिए जो सुगोली संधि हुई थी 1816 में, उसमें ये कहा गया था कि जब हम इन सैनिकों को अपने देश के सैनिकों में भर्ती करेंगे तो उनको वही चीज प्रोवाइड करवाई जाएगी जो हमारे देश के सैनिकों को करवाई जाएगी। लेकिन पिछले साल एक सैनिक ने, रिटायरमेंट फौजी ने, यह कहा कि हमें वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती जो उन देश के अपने सैनिकों को मिलती है, वो गोरखा को भेदभाव में रखते हैं, यानी कि गोरखा जो सैनिक है उनको साथ भेदभाव किया जाता है। ये सब सुनकर जो नेपाल की सरकार है उसने ये निर्णय लिया है कि अब हम अपने गोरखा सैनिकों को दूसरे देशों में भर्ती नहीं करवाएंगे। रियलिटी ये है दोस्तों और ये है पूरी खबर। बाकी कई लोग ऐसे हैं जो इसे सीमा विवाद के लिए रिलेट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली कोई रिपोर्ट मिलती है तो मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन मिल सके।